हेलो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो मैंने होमवर्क क्वेश्चन दिए थे उनको, ठीक है। तो मैं बहुत पूरा एंड तक सॉल्व नहीं करूंगा, आई विल गिव अ ओवरव्यू, मतलब एक फ्लो बता दूंगा ऐसे ऐसे करेंगे, और जो क्वेश्चन मुझे लगेगा कि बहुत अच्छा है उसको हम एंड तक सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन था कल होमवर्क क्वेश्चन में। इसमें हमें क्या निकालना है, इन सभी क्वेश्चन में हमें डोमेन निकालना है, ठीक है ना, मतलब अलाउड वैल्यूज ऑफ एक्स। तो इसको स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या लिखा है, एफ एक्स इजिकल टू लॉग ऑफ मोड ऑफ लॉग एक्स। तो हमें पता है लॉग को डिफाइन होने के लिए इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज मोड ऑफ लॉग एक्स, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अच्छा अब सुनना, ये ग्रेटर देन जीरो होना चाहिए, एक बात हुई हमारी। दूसरी चीज, अब अंदर वाले लॉग को डिफाइन होने के लिए क्या होना चाहिए, उसका जो आर्ग्यूमेंट है एक्स दैट शुड बी पॉजिटिव। तो एक्स पॉजिटिव होना चाहिए, ये तो बात क्लियर है अंदर वाले लॉग के हिसाब से। तो अब मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, इसका जो आंसर आएगा उसका इसके साथ इंटरसेक्शन ले लूंगा, बिकॉज मेरे को दोनों चीज ट्रू होना चाहिए तभी मेरा ओवरऑल फंक्शन डिफाइन होगा वो एक्स के लिए, ठीक है ना। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। तो मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। तो अब मॉड एक्स ग्रेटर देन जीरो, तो अब इसमें हमारा क्या होगा, देखो मॉड ऑफ एनी क्वांटिटी क्या होता है, ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होता है। तो ग्रेटर देन जीरो तो होगा, बट वो वैल्यू हटा दूंगा मैं इसमें से जब ये जीरो हो रहा है, और जीरो कब हो रहा है, ये मेरा ये जीरो मेरा हो रहा है x इज इक्वल टू वन पे। तो मैं क्या बोल रहा हूं कि ये जो मॉड ऑफ लॉग x है दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, और इक्वल टू वाला जो जीरो है जिस x पे जीरो हो रहा है वो हटा देता हूं मैं। तो इसके लिए मैं आंसर क्या लिख रहा हूं, देखना, पहले तो r प्लस इसका खुद का डोमेन है माइनस, अब मैं इसमें से वो x हटा देता हूं जब मेरा ये चीज जीरो होगी, और जीरो कब होगी, व्हेन x इज वन। तो r प्लस माइनस वन, अब इस चीज का इंटरसेक्शन में इसके साथ ले लूंगा x ग्रेटर देन जीरो के साथ, तो क्या आ जाएगा मेरा यही सेट आ जाएगा। तो मैं इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा, इसमें लिखा है हमारा आंसर क्या हो जाएगा, देखो r प्लस मतलब जीरो से इंफिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट वन, दिस इज द आंसर। आई होप बहुत सारे बच्चों को करेक्ट आया होगा ये आंसर, ठीक है ना। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो मैं नेक्स्ट क्वेश्चन लिख लेता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एफ एक्स इज इक्वल टू sec inverse of x upon under root of x minus greatest integer of x, ठीक है ना। चलो तो एक काम करता हूं, मैं इसको ऊपर वाले को रब कर देता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लेना जिसका आंसर नहीं आया था, और जो भी मैं क्वेश्चंस दिए ये मैंने each and everyone should be solved in notes only, ठीक है ना, रफ बुक वगैरह में नहीं करना है, हमें नोट्स में सॉल्व करना है। तो चलो इस क्वेश्चन पे आते हैं। तो देखना, सबसे पहले न्यूमरेटर के ऊपर आते हैं। तो न्यूमरेटर को डिफाइन होने के लिए जो x है वो क्या होना चाहिए, sec inverse x जो होता है उसका डोमेन होना, डोमेन में आना चाहिए, और मुझे पता है sec inverse x का डोमेन क्या होता है, जो sec x का रेंज होता है। तो x क्या होना चाहिए हमारा, देखो मैं इधर मार्क कर देता हूं, माइनस वन से वन, और ये हमारा ये हो गया x, ये इन x के लिए माइनस इन्फिनिटी से माइनस वन, यूनियन वन से इन्फिनिटी के लिए मेरा न्यूमरेटर डिफाइन हो जाएगा। अब आते हैं हम डिनोमिनेटर पे, देखना अब इंटरेस्टिंग चीज है थोड़ी सी। डिनोमिनेटर में देखो मेरा जो क्वांटिटी है वो अंडर रूट के अंदर लिखा है, तो रूट के अंदर जो भी क्वांटिटी है दैट शुड बी, वैसे तो रूट के अंदर क्वांटिटी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो होना चाहिए, बट इधर इक्वल टू भी नहीं लूंगा, क्यों, क्योंकि वो चीज डिनोमिनेटर में लिखी है। तो इसके लिए मैं क्या लिखूंगा, एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ठीक है। अब सुनना, ये लिखा मैंने, अब जैसे हमने कल की क्लास में इससे पहले वाला जो पार्ट था वीडियो का उसमें देखा था कि दोनों का ग्राफ बनाया था x और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x, x हमेशा ऊपर होता है, ये तो स्टेयरकेस होता है, और उसके टिप्स को ज्वाइन करके y इज इक्वल टू x आता है। तो इक्वल टू कब होते हैं, केवल इंटीजर्स पे। तो मैं बोल रहा हूँ कि दिस इज ऑलवेज ट्रू एक्सेप्ट इंटीजर्स, क्यों इंटीजर्स पे नहीं, इंटीजर्स पे ये दोनों बराबर होंगे, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ x x के बराबर हो जाएगा, बाकी सभी x के लिए दिस विल होल्ड ट्रू। तो मैं क्या लिख सकता हूँ, ये चीज कब ट्रू होगी मेरी, देखना मैं क्या लिख रहा हूँ, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट इंटीजर्स। तो इंटीजर्स के लिए मैं ऐसे लिख देता हूं आर माइनस आई, क्लियर है। अब मैं क्या करूंगा, अब वो एक्स चाहिए मुझे न्यूमरेटर भी डिफाइन और डिनोमिनेटर भी, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन ले लूंगा। तो फाइनली देखो क्या मिलेगा, एक तो ये जो सेट है जो मुझे ऊपर वाला मिला इसमें से मैं इंटीजर्स हटा देता हूं, ऊपर वाला सेट क्या लिखा है, देखो ऊपर वाला सेट जो लिखा है आर माइनस माइनस वन से वन, ये तो क्या हो गया ऊपर वाला, इसमें लेकिन इंटीजर्स और आ रहा है तो माइनस इंटीजर्स और कर देता हूं मैं, क्लियर है बच्चों क्या हुआ हमारा, ठीक है ना। अच्छा ये हमारा आंसर हो जाएगा आर माइनस माइनस वन टू वन, या फिर हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको मैंने लिखा माइनस इंफिनिटी से माइनस वन क्लोज यूनियन वन क्लोज से इंफिनिटी, ओके, एंड माइनस
ऑल इंटीजर्स, ठीक है, करेक्ट, समझ में आया, तो ये हो गया हमारा इसका आंसर। अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो इसको मैं रब कर देता हूं, हमारा आंसर देख लेते, मैच कर लेते हैं, r माइनस माइनस वन टू माइनस वन माइनस इंटीजर्स, ठीक है, चलो मैं इसको रब कर देता हूं। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन था 2 की पावर x प्लस 2 की पावर y इज इक्वल टू 2, इसमें मुझे डोमेन निकालना x की एक्सेप्टेबल वैल्यूज, तो पहला टारगेट मेरा क्या होगा, ये थोड़ा सा अलग क्वेश्चन है, इसमें हम पहले क्या लिखेंगे, y को एज अ फंक्शन ऑफ x लिखेंगे, उसको लिखने के लिए क्या किया, 2 की पावर y को तो मैंने इधर ही रहने दिया, बाकी टर्म्स उधर लेके गए, फिर मैंने क्या लिया, मुझे y चाहिए, तो आई टेक log टू द बेस 2, तो मैंने लिखा log to the base 2 लिया, तो इधर 2 base 2 is equal to log 2 minus 2 की पावर x to the base 2, तो ये कितना हो गया, ये y आगे आ गया, log to the base 2 is 1, तो this is y is equal to log of 2 minus 2 की पावर x to the base 2, तो अब मेरा y as a function of x आ गया, मतलब this is my fx, तो ये log के terms में लिखा है, तो अब क्या करें, हम domain निकालने के लिए जो log का argument है that should be greater than 0, तो मेरा क्या आएगा 2 minus 2 की पावर x should be greater than 0, तो इधर से आया 2 की पावर x को उधर लेके गया, तो 2 की पावर x less than 2 और 2 की पावर 1 लिखा है इधर, तो अगर बेस 1 से बड़ा है तो जिसका पावर बड़ा वो नंबर बड़ा होगा, मतलब जिसका पावर बड़ा तो इधर x क्या होगा मेरा, इस अगर ये बेस जो है 2 बराबर है एंड सिंस इट इज ग्रेटर देन 1 तो x शुड बी लेस देन 1, तो ये मेरा हो जाएगा फाइनली डोमेन फॉर दिस, इसको सेट फॉर्म में कैसे लिखेंगे, माइनस इंफिनिटी से 1 ओपन, 1 भी नहीं लेंगे बिकॉज 1 पे क्या हो जाएगा, ये log का आर्ग्यूमेंट 0 हो जाएगा एंड log 0 इज अनडिफाइंड, क्लियर है, इट शुड बी ओपन इंटरवल, तो दिस इज माई आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, ठीक है, चलो अब मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ जंप करता हूं, तुम लोग इसको कॉपी कर लो, देखना अब हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी आसान क्वेश्चन था, एफ एक्स इज इक्वल टू कॉस इनवर्स 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 प्लस 1 अपॉन लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स, ठीक है ना, वो पावर माइनस वन पूरे लॉग का था, 3 माइनस एक्स का नहीं था, ठीक है ना, वो तुम ऐसा ना समझाओ, दिस इज लॉग ऑफ 3 माइनस एक्स का होल पावर माइनस वन, तो वो डिनोमिनेटर में लेके लिख लिया मैंने, चलो अब हम स्टार्ट करते हैं इसके, तो कॉस इनवर्स समथिंग, तो जो समथिंग होना चाहिए कॉस इनवर्स एक्स का जो आर्ग्यूमेंट है दैट शुड लाइ बिटवीन माइनस वन टू वन, तो मेरा हो जाएगा 2 माइनस मॉड एक्स अपॉन 4 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस 1, एंड एट द सेम टाइम ये चीज डिफाइन होना चाहिए, अब देखो इधर पहले काम करते हैं इसको सॉल्व कर लेते हैं हम, तो इससे मेरा क्या आएगा देखना, 2 minus mod x should be less than equals to 4 greater than equals to minus 4, मैंने minus से multiply कर देता हूँ इसको पूरे को, तो ये आएगा 4 greater than equals to minus 2 plus mod x greater than equals to minus 4, तो mod x greater than equals to ये minus 2 उधर गया तो minus 4 minus 2 is minus 2 less than equals to 4 plus 2 6, ये दो इनइक्वालिटी है क्या, एक तो mod x less than equals to 6 होना चाहिए एंड mod x should be greater than equals to minus 2 होना चाहिए, तो ये तो always true है क्योंकि मॉड एक्स एक नॉन नेगेटिव नंबर होता है, माइनस टू से तो हमेशा ही बड़ा होगा, बस मुझे ये इनइक्वालिटी सॉल्व करना, मतलब केवल ये देखना हमें, तो फाइनली दिस रिड्यूसेस टू मॉड एक्स शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 6, और मॉड एक्स 6 से छोटा है, इसका मतलब एक्स कहां से कहां लाई करेगा, माइनस 6 क्लोज से प्लस 6 क्लोज, माइनस 6 क्लोज से प्लस 6 क्लोज, ये तो हो गया मेरा फर्स्ट के रिस्पेक्ट में, अब सेकंड के लिए कर लेते हैं, सेकंड के लिए क्या होना चाहिए मेरा जो आर्ग्यूमेंट है, देखो दो चीजें हैं, जो डिनोमिनेटर में जो लिखा है वो डिफाइन होना चाहिए प्लस जीरो नहीं होना चाहिए, तो पहले डिफाइन होने के लिए क्या लिखूं मैं, 3 माइनस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0, क्या लिखा मैंने, 1 अपॉन एफ एक्स को का डोमेन कैसे निकालते हैं, एफ एक्स एक तो डिफाइन होना चाहिए वो तो मैंने ये लिख दिया, प्लस एंड जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, डिनोमिनेटर जीरो कब होगा, जब लॉग का आर्ग्यूमेंट 1 होगा, तो 3 माइनस एक्स जो है इट शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, तो बस अब तुम लोग आगे करो, इसका और इसका इंटरसेक्शन ले लो, इन दोनों का इंटरसेक्शन मैं आंसर लिख देता हूं फाइनली, ठीक है, तो इसका आंसर है, देखना बच्चों अगर कोई भी आंसर में तुम्हें डाउट आता है फील फ्री टू आस्क, यूनियन 2 से 3, तो बहुत आसान है, ऑलमोस्ट सॉल्व हो ही गया है, ठीक है ना, इधर से क्या है x लेस देन 3 आया, तो दिख रहा है माइनस 6 से 3 आ रहा है, 2 हटा दिया हमने क्योंकि इधर से 2 आएगा, ठीक है ना, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन हमारा ये आ जाएगा, क्लियर है बच्चों, चलो अब मैं रब कर देता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करता हूं, तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ लॉग ऑफ 1 अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स, ठीक है, चलो तो अब देखना पहली बात क्या रूट है, तो रूट के अंदर क्या होना चाहिए, जो क्वांटिटी है
दैट शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो मेरा एक चीज बनी लॉग ऑफ वन अपॉन साइन एक्स का मॉड शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ये इसका डोमेन निकालना था, इसको सॉल्व करना है मुझे. अच्छा अब लॉग है मेरा, तो दो चीज होती है लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी में, एक तो डोमेन और एक इनइक्वालिटी. तो देख लॉग दिया है, तो अब मैं क्या करूंगा, पहले वन अपॉन आर्ग्यूमेंट दैट इज वन अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन जीरो, क्योंकि ये लॉग का आर्ग्यूमेंट है. ठीक है अच्छा अब सुनना ध्यान से, जब मैंने इसको लिखा ग्रेटर देन जीरो, तो देखो ये जो ये वन तो पॉजिटिव नंबर है, तो मॉड साइन एक्स ही पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव ऑन पॉजिटिव पॉजिटिव आएगा. ठीक है ना, तो मतलब दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन जीरो, एक्सेप्ट कब, जब ये अनडिफाइन हो जाए. अनडिफाइन कब होगा, जब एक्स मेरा एन पाई होगा, इंटीगर मल्टीपल ऑफ पाई. तो साइन एक्स क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, वन अपॉन जीरो अनडिफाइंड हो गया. तो एन पाई हटा देते हैं इसमें से, किसमें से, ऑल रियल नंबर एक्सेप्ट एन पाई. तो आर माइनस एन पाई, ये किसका आंसर हुआ, ये दिस नॉट द फाइनल आंसर एज ऑफ नाउ. ठीक है ना, माइट भी आंसर आ जाए ऐसा वो बात अलग है, लेकिन जितना भी हमने एक्सप्लेनेशन दिया उसके हिसाब से दिस नॉट द फाइनल आंसर, दिस इज डोमेन ऑफ दिस इनइक्वालिटी. अब इनइक्वालिटी को तो सॉल्व करना है हमें. ठीक है ना, समझ में आया. अभी तो मैंने क्या किया, केवल जो लॉग का आर्ग्यूमेंट था उसको ग्रेटर देन जीरो किया. ठीक है ना, इसको क्या बोलूंगा, डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी. अब हम इनइक्वालिटी पे आते हैं, तो इनइक्वालिटी क्या है, लॉग ऑफ दिस ग्रेटर देन जीरो. तो लॉग ऑफ, लॉग को कैसे हटाते हैं, दिस इज इक्वल टू दिस ग्रेटर, जैसे मैंने ऐसे लिखा लॉग ऑफ ए टू द बेस बी ग्रेटर देन सी लिखा है, और मुझे पता है बी अगर ग्रेटर देन वन है तो क्या लिखते हैं, दिस इंप्लाइज ए इज ग्रेटर देन बी की पावर सी. तो वही चीज इधर लगाऊंगा, तो वन अपॉन मॉड ऑफ साइन एक्स ग्रेटर देन इधर बेस जो भी है, अगर लॉग की बेस मैंने नहीं लिखी तो इट बाय डिफॉल्ट इट मींस 10 या फिर ई. तो बोथ आर ग्रेटर देन 1, हमारे लिए लॉग क्या इंक्रीजिंग फंक्शन है, अगर बेस नहीं दिया तो वी आर अज्यूमिंग इट ई और 10. तो दिस शुड बी ग्रेटर देन, लेट्स से मैंने 10 माना, तो 10 की पावर 0 व्हिच इज 1. तो इधर से मेरा क्या है, मॉड ऑफ साइन एक्स शुड बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 1, वो तो होता ही है, इट इज ट्रू फॉर ऑल एक्स और प्लस इंटीजर है, इसमें से भी इंटीजर हटाना पड़ेगा, क्योंकि इधर एक्स अगर एन पाई इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई हो गया तो ये अनडिफाइंड हो जाएगा, तो आर माइनस एन पाई. तो बेसिकली दोनों तरफ से हमारा सेम ही आंसर आया, सेम आंसर हमारा, मतलब इन दोनों का सेम आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन भी क्या होगा, दोनों यही होगा. तो हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा आर माइनस एन पाई. हम कोई भी रियल नंबर रख सकते हैं एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई भी अनडिफाइंड हो जाएगा बिकॉज 1/0 हो जाएगा लॉग का आर्ग्यूमेंट. क्लियर है, रेस्ट ऑल फॉर ऑल अदर एक्स. और ऐसे भी देख सकते हो, देखो log 1 0 होता है. ठीक है ना, अब मुझे पता है sin x जो है, mod of sin x जो है, अगर हम डायरेक्टली आंसर बोलना चाहते हैं तो देखो जो mod of sin x है basically that is a fraction. मैं एक मिनट के लिए चलो ठीक है, that is a fraction, zero को हटा रहा हूं मैं एक मिनट के लिए. ठीक है ना, मैंने कहा except n pi, जो mod of sin x होगा that will be a fraction, और 1 upon fraction क्या होगा, 1 से बड़ा, और log 1 0 होता है, तो मैं लॉग मुझे पता है इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो 1 से बड़ा अगर आर्ग्यूमेंट होगा दैट इज अ पॉजिटिव नंबर, और रूट के अंदर पॉजिटिव लिखा है तो इट इज ऑलवेज डिफाइंड. तो कब डिफाइन हुआ ये, ऑल एक्स एक्सेप्ट इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ पाई. तो विदाउट सॉल्विंग ऑल्सो हम ऑब्जेक्टिव से भी डायरेक्टली बोल सकते थे. क्लियर हुआ, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. याद रखना लॉग का बेस अगर 1 से बड़ा है तब वो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और अगर बाय डिफॉल्ट नहीं दिया है तो बाय डिफॉल्ट हमें मानना है लॉग का बेसिस इधर ई या फिर 10. चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं. एफ एक्स इज इक्वल टू लॉग टू द बेस 2 माइनस लॉग टू द बेस 1/2, इसका आर्ग्यूमेंट दिया 1 प्लस एक्स की पावर -4 -1. ठीक है ना, तो अगर पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, मैं थोड़ा सा कर देता हूँ उसको. ठीक है, और फाइनली आंसर बता दूंगा तुम लोगों का इसका क्या है. तो अगेन लॉग है तो इसका जो आर्ग्यूमेंट है दैट इज दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो. तो माइनस ऑफ लॉग ऑफ टू द बेस 1/2 प्लस एक्स की पावर -4, तो मैं इसको लिख लेता हूँ 1 upon एक्स की पावर 4 -1, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो. ठीक है, अब ये -1/2 दिया है तो इसको 2 की पावर -1 लिख लेता हूँ, उस -1 को इधर लेके जाता हूँ, तो बेसिकली ये प्लस हो जाएगा. तो लॉग टू द बेस 2 1 plus 1 upon एक्स की पावर 4 ग्रेटर देन 1, -1 को उधर लेके गया. अब देखो दो चीजें हैं, देखो अब इसमें देखो हमें क्या क्या लिखना है. ये तो मैंने जो लिखा अभी, ये तो डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा, डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा बाहर वाले लॉग के रिस्पेक्ट में. अब अंदर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट भी तो डिफाइन होना चाहिए, डिफाइन मतलब पॉजिटिव होना चाहिए. तो उसके लिए मेरा क्या आएगा, 1 plus 1 upon एक्स की पावर 4 शुड बी ग्रेटर देन 0. और ऑफकोर्स 1 दिस इज अ नॉन नेगेटिव क्वांटिटी, उसमें 1 ऐड करूंगा तो ग्रेटर देन 0 आ रहा है. तो अंदर वाला एक्स तो हमेशा डिफाइन है, एक्सेप्ट 0 तो नहीं रख सकता हूं मैं, क्योंकि 0 पे क्या हो जाएगा, ये अनडिफाइंड हो जाएगा.
वन अपॉन जीरो, तो इसका आंसर तो हो गया आर माइनस जीरो, जीरो नहीं रख सकता, दिस इज व्हाट विद रिस्पेक्ट टू अंदर वाला लॉ, और ये मैंने बाहर वाले लॉ के हिसाब से लिखा है, दोनों सेटिस्फाई होना चाहिए ना, दोनों हमें ऐसे एक्स निकालना है जो सब कुछ सेटिस्फाई हो, अंदर वाला लॉग भी है बाहर वाला लॉग भी। अब इस पे आते हैं, सो अगेन अब मैं बोलूंगा इस इनइक्वालिटी के लिए भी मैं क्या लिखूंगा, अंदर वाले लॉग का लिखूंगा क्या, कि अंदर वाले लॉग का आर्ग्यूमेंट विच इज दिस थिंग शुड बी ग्रेटर देन जीरो, तो ये भी वही आएगा। बट अब मैं क्या करूंगा, इसका इनइक्वालिटी सॉल्व करूंगा। इनइक्वालिटी कैसे करेंगे, देखो 1 प्लस 1 अपॉन x की पावर 4 ग्रेटर देन 2 की पावर 1 विच इज 2, आई बताया था लॉग a टू द बेस b, log a to the base b अगर greater than c है तो a is greater than b की power c, कब, when b is greater than 1, अगर b less than 1 होता है तो ये inequality उल्टी हो जाती है, ठीक है ना, because log जो होता है वो increasing function होता है for base greater than 1। चलो अब इस पे आते हैं, तो इधर से मेरा आया x की power 4 plus 1 is greater than 2 into x की power 4, तो x की power 4 minus 1 less than equals to 0, less than 0, तो इधर से x square plus 1 into x square minus 1, उसको लिख लिया x minus 1 into x plus 1 less than 0, तो ये तो एक positive quantity इससे divide कर दिया, तो finally ये किसमें reduce हो गया, x minus 1 into x plus 1 less than 0, तो ये मेरा हो गया minus 1 से 1, less than 0 मतलब between the roots। अब बस क्या करना है, ये इसका intersection इसके साथ लेना है, तो r minus 0 है मतलब all real number except 0, तो इसमें से 0 हटा देते हैं हम, तो finally हमारा answer क्या हो जाएगा, finally answer is minus 1 से 1 minus curly bracket 0, that's it, this is my final answer for this, ठीक है, आई होप समझ में आया होगा। हमें क्या करना है, याद रखना हर एक लॉग को ध्यान देना, हर एक लॉग का आर्ग्यूमेंट पॉजिटिव होना चाहिए, ठीक है ना। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन जरूर बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना, बताना मुझे किस किस का सही आया था ये आंसर, अभी तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन होगा वो, क्योंकि इसमें क्या है, बेस जो है ना वो लॉग का वेरिएबल है, तो हम जैसे अभी क्या करते थे, जैसे अभी अभी तक हम क्या करते थे, log of a to the base b greater than c होता था, और b अगर greater than 1 है तब हम क्या करते थे, a is greater than b की power c इस condition में, और अगर b less than 1 है of course greater than 0, तो a is less than b की power c, तो इस fact का use होगा अब इस question में, क्योंकि अब क्या है, जो base है, अगले question में question लिख लेता हूं पहले मैं, under root of log of base में दिया है mod x minus 1, और आर्ग्यूमेंट दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4, ठीक है ना, दिस इज योर, मैं एक बार आंसर लिख देता हूं, ठीक है ना, तुम लोग वेरीफाई करो किस किस का करेक्ट आया, अगर करेक्ट आया तो मतलब समझ लो लॉग वाला इनइक्वालिटी तुम्हारा परफेक्ट है, ठीक है ना, तो लॉग में इससे अच्छा क्वेश्चन, मतलब इससे अच्छा तो बन सकता है ऐसी बात नहीं, लेकिन प्योर मेंस लेवल का क्वेश्चन है, मेंस से एडवांस लेवल का, ठीक है, so this is your, this is the answer for this question, मैं एक बार check verify कर लेता हूँ, minus infinity से minus 3 close union, minus 2 से minus 1 union, 2 से infinity, that's it, correct है, तो start करते हैं हम, जैसे कि मैंने बोला कि base variable है पहली बात, तो वो handle करना पड़ेगा हमें फिर, ठीक है ना, cases बनाने पड़ेंगे, when base is greater than 1, when base is lying between 0 to 1, of course negative तो होगा नहीं, दो ही case बनेंगे हमारे, अब देखना मैं क्या बोल रहा, सबसे पहले under root है बाहर, तो उसके अंदर की क्वांटिटी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इक्वल टू जीरो, ग्रेटर देन इक्वल टू मतलब नॉन नेगेटिव, तो लॉग ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 टू द बेस मॉड x माइनस 1, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, ठीक है, मैं इसको रब कर देता हूं इधर वाले पार्ट को, अब सुनना ध्यान से क्या बोला मैंने, ये जो क्वांटिटी है दैट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो, अच्छा अभी तक तो क्या था ना कि हमारा ये क्वांटिटी ग्रेटर इक्वल टू इसकी पावर जीरो लिख देते थे डायरेक्टली, उधर क्या होता था ये बेस हमें कांस्टेंट होता था, बट बेस वेरिएबल है, इसमें थोड़ी मेहनत लगेगी, इसमें हमें केसेस बनाने पड़ेंगे, तो उससे पहले केसेस बनाने के पहले हम इसका डोमेन तो देख ही लेते हैं, तो डोमेन के लिए क्या होना चाहिए, बेस शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड आर्ग्यूमेंट शुड बी ग्रेटर देन जीरो एंड बेस शुड नॉट बी इक्वल टू टू, ये तो तीन कंडीशन होती है फ्रॉम डोमेन पॉइंट ऑफ व्यू, डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या होना चाहिए, देखो डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से एक तो एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 शुड बी ग्रेटर देन 0, एक क्या होना चाहिए बेस मॉड x माइनस 1 दिस शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड लास्टली मॉड x माइनस सॉरी मॉड x माइनस 1 दिस शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1, ये तीन जो चीज लिखा हूं अभी डोमेन के पॉइंट ऑफ व्यू से लिखा हूं मैं, अभी मैंने लॉग इनइक्वालिटी को सॉल्व करना स्टार्ट नहीं किया है, उसके लिए तो मुझे केसेस बनाने पड़ेंगे, दो क्लियर है बच्चों, अच्छा अब सुनना, अब मैंने केस 1 बनाया, इसको मैं सॉल्व करूंगा दो मिनट बाद, ठीक है, उससे पहले मैं बोल रहा हूं कि मैंने केस 1 बनाया, तो केस 1 क्या होगा मेरा, मॉड एक्स माइनस 1 इज ग्रेटर देन 1, मैं ले रहा हूं बेस इज ग्रेटर देन 1, इधर लिख लो बेस इज
ग्रेटर देन वन, ठीक है। अच्छा अब बेस ग्रेटर देन वन हो गया, अब ये मेरा क्या करेगा, दिस विल एक्ट एज अ डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, डोमेन ऑफ केस वन। ये चीज हम ऑलरेडी किए थे, सेम कैटेगरी ऑफ क्वेश्चन लिया था हमने, किधर लॉगरिथमिक इनइक्वालिटी। एक क्वेश्चन था जिसमें मेरा बेस वेरिएबल था, मैंने उधर भी बोला था, स्ट्रेस दिया था, बहुत अच्छा क्वेश्चन है वो, बट इधर थोड़ा सा क्या मॉड भी आ गया, तो थोड़ा और अच्छा हो गया क्वेश्चन। बेस वेरिएबल है प्लस मॉड भी है, तो थोड़ा और अच्छा क्वेश्चन हो गया हमारा। तो मैंने बोला अभी ये जो चीज है, ये तो मैंने केस वन का डोमेन है, ये मेरा मतलब ये केस वन के लिए मैंने, तो इधर से क्या आया मॉड एक्स ग्रेटर देन टू, इधर से मेरा आया माइनस टू से, दिस इज ओपन माइनस टू से इस साइड, टू के इस साइड, ठीक है। ये क्या है मेरा, अभी ऐसे लिख लो डोमेन ऑफ केस वन, डोमेन ऑफ केस वन, ठीक है। अच्छा अब मैं डोमेन, अब ये डोमेन हो गया केस वन का, अब केस वन में इनइक्वालिटी क्या होगी उसको भी सॉल्व करेंगे, उसका उसका इंटरसेक्शन केस वन के डोमेन के साथ लेंगे। तो अब देखो बेस ग्रेटर देन वन है, हो गया ऑलरेडी एज्यूम हो गया फर्स्ट केस में, तो मैं क्या करूंगा डायरेक्टली आर्ग्यूमेंट, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस फोर, दिस शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू, ये कोई भी नंबर हो वन से बड़ा है टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा वन, तो जैसे आया मेरा एक्स स्क्वायर प्लस फोर एक्स प्लस थ्री शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू जीरो, तो इसके रूट दिख रहा है थ्री और वन आ रहा है, सॉरी माइनस थ्री एंड माइनस वन, सम ऑफ रूट इज माइनस फोर, प्रोडक्ट इज थ्री, तो इसके जो रूट्स आएंगे वो आएंगे माइनस थ्री एंड माइनस वन, ग्रेटर देन इक्वल्स टू दिया है तो आउटसाइड द रूट्स। देखो ध्यान से देखो, अब मैं क्या करूंगा इन दोनों का इंटरसेक्शन, अब मैं इसका एक काम करता हूं बहुत अच्छा रहेगा, तुम ज्यादा सीख पाओगे, मैं फ्लो बता देता हूँ एक बार, उसके बाद तुम लोग कंप्लीट करो, ठीक है ना, नहीं आता है तो मुझसे पूछ सकते हो। देखो अब मैं, क्योंकि ऑलमोस्ट मैंने काफी हद तक बता चुका है ये, ठीक है। क्या हो गया हमारा केस वन का ये डोमेन आया, ये केस वन में इनइक्वालिटी का आंसर आया, इन दोनों का इंटरसेक्शन इज द केस वन का आंसर। सिमिलरली हम केस टू बनाएंगे, केस टू क्या बनाएंगे मैं तो लिख देता हूँ, केस टू, केस टू विल बी मॉड एक्स माइनस वन, दिस शुड बी लेस देन वन एंड एट द सेम टाइम इट शुड बी ग्रेटर देन जीरो, ये मत भूलना ग्रेटर देन जीरो गलत हो जाएगा। अब केस वन में क्या होगा, ये जो इनइक्वालिटी है ना बस इधर रिवर्स हो जाएगी, लेस देन इक्वल्स टू आ जाएगा, तो इधर माइनस थ्री से माइनस वन के बाहर आया, उधर हमारा माइनस थ्री से माइनस वन के बीच में आएगा, क्लियर है। अच्छा फिर क्या करेंगे हम उसको, इसका इंटरसेक्शन केस टू के जो इनइक्वालिटी सॉल्व किया उसके साथ लेंगे, फिर हमारे पास दो आंसर आ गए केस वन का और केस टू का। हमेशा क्या करते हैं केसेस के बीच में यूनियन लेते हैं, उन दोनों का यूनियन ले लेना, बट दैट इज नॉट माई फाइनल आंसर, अभी उसका इंटरसेक्शन किसके साथ लेना है तुम्हें, जो हमारा ओवरऑल डोमेन हो, डोमेन क्या पाएगा इन तीनों का इंटरसेक्शन से। इसलिए मैंने बोला थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है बट काफी लॉजिकल है, एक बार तुम्हें पूरा फ्लो समझ में आ गया तो क्लियर हो जाएगा तुम्हें, ठीक है। क्या बोला मैंने दोबारा देखो, दिस इज डोमेन ऑफ केस वन, दिस इज द आंसर ऑफ इनइक्वालिटी फॉर केस वन, केस वन की इनइक्वालिटी का आंसर केस वन के डोमेन के साथ, क्योंकि हमें वही एक्स इसमें से लेने ना, जब हमने ये लिखा कब है इस कंडीशन में, तो हमें इसमें से वही एक्स लेने ना जो इसको सेटिस्फाई करें, हेंस इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ केस वन, सिमिलरली इंटरसेक्शन विद डोमेन ऑफ केस टू, फिर केसेस के बीच में यूनियन और उसका इंटरसेक्शन ले लेंगे हम ओवरऑल डोमेन ऑफ इनइक्वालिटी, और ओवरऑल डोमेन कैसे आएगा इन तीनों कंडीशन का इंटरसेक्शन, क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो इसको करना, अगर नहीं आता है तो मुझसे इसके बाद पूछ लेना, क्योंकि 50% से ज्यादा हमने सॉल्व कर चुका है, ठीक है ना, सेम चीज है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तो दिस आई विल से इट इज द बेस्ट क्वेश्चन टिल नाउ, थोड़ा सा लेंथी है बट लॉजिकल है काफी। चलो अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, थोड़ा सा फास्ट करते हैं हम, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओके दैट्स नेक्स्ट क्वेश्चन इज, देखो ये तो बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ln of ax क्यूब, दिखने में थोड़ा अलग लग रहा था, a प्लस बी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस बी प्लस सी इंटू एक्स प्लस सी। एक तो ये दे रखा है कि दिस इज ln, ln ऑफ दिस, और दे रखा है a एक पॉजिटिव नंबर है, और एक दे रखा है बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो के बराबर, फिर मुझे इसका डोमेन निकालना है, ठीक है। तो डोमेन निकालना है तो क्या करें, लॉग का आर्ग्यूमेंट ग्रेटर देन जीरो, तो ए एक्स क्यूब प्लस ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस सी शुड बी ग्रेटर देन जीरो, दिख रहा है क्लियरली, इसमें से ए एक्स स्क्वायर कॉमन आ रहा है तो ए एक्स स्क्वायर इंटू एक्स प्लस वन प्लस इसमें से बी एक्स कॉमन आ रहा है फिर एक्स प्लस वन प्लस इसमें सी कॉमन आ रहा है तो एक्स प्लस वन, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो, इधर से आया ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी और ये आ रहा है एक्स प्लस वन ग्रेटर देन जीरो। अब देखना इंटरेस्टिंग चीज है,
अब थोड़ी इंटरेस्टिंग चीज आएगी। अब इस चीज का यूज करूंगा कि एक मिनट होल्ड ऑन, या इस चीज का यूज करूंगा। आप देखना बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो इसका मतलब क्या है, विच इज डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक। अगर किसी क्वाड्रेटिक का डिस्क्रिमिनेंट जीरो है तो दैट विल बी ए परफेक्ट स्क्वायर। मतलब एक ऐसे लिख सकते हैं ए इंटू एक्स प्लस बी बाय टू ए का होल स्क्वायर, ये ऐसा होगा। दैट यू हैव टू वेरीफाई। क्या करो तुम इसमें से ए कॉमन लेके परफेक्ट स्क्वायर बनाओ और देन यूज द फैक्ट बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो, तो यू कैन सी कि ऐसा लिखा हो जाएगा, दिस पार्ट कैन बी रिटर्न एज दिस अंडर द कंडीशन बी स्क्वायर माइनस फोर ए सी जीरो। ठीक है, क्या करेंगे चलो एक बार बता देता हूँ, हिंट देता हूँ। ए कॉमन लिया, इधर से आएगा एक्स स्क्वायर प्लस बी बाय ए इंटू एक्स प्लस सी बाय ए, फिर इन दोनों के मदद से परफेक्ट स्क्वायर बनाओ, एक्स माइनस एक्स प्लस बी बाय टू ए का स्क्वायर, फिर इधर से कॉन्स्टेंट टर्म एक्स्ट्रा आ जाएगी बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर, तो माइनस बी स्क्वायर बाय फोर ए स्क्वायर और प्लस इधर सी बाय ए लिखा है। फिर एलसीएम लेने के लिए फोर ए से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, फिर अब देखो फोर ए सी बी स्क्वायर बराबर है तो ये पार्ट जीरो हो जाएगा, ए इंटू दिस आ गया। क्लियर, तो मैं इसको रब कर देता हूँ इतने पार्ट को। तो मैंने बोला ये इतना लिखा हो गया, अब सुनना, अब इधर एक्स प्लस वन और लिखा है ग्रेटर देन जीरो। अब मुझे पता है ए तो पॉजिटिव दिया है तो इसका तो ये तो पॉजिटिव है, तो मैंने क्या किया ए को जीरो के नीचे ले गया, या फिर ऐसे बोलो ए से डिवाइड कर दिया पूरी इनइक्वालिटी को। अब अगेन दिस इज अ नॉन नेगेटिव नंबर, ये क्या होगा, या तो पॉजिटिव होगा या जीरो होगा। पॉजिटिव है तो बहुत अच्छी बात है, फिर तो जीरो के नीचे ले गए। तो अब मैं कैसे लिख रहा हूँ, देखो इस नंबर से मैं इसको डिवाइड कर रहा हूँ और क्या बोल रहा हूँ कि x इज नॉट इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, फिर मेरा क्या बचेगा x प्लस वन ग्रेटर देन जीरो, जैसे क्या x ग्रेटर देन माइनस वन, तो दिस इज माई आंसर। क्या अब दो मिनट के लिए सोचो क्या मेरा ये आंसर हो गया फाइनली, नहीं। इसमें से मुझे क्या हटाना पड़ेगा, x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू है, क्योंकि माइनस बी बाई टू है पे ये चीज जीरो हो जाएगी। देखो मैंने अभी जब बोला मैं इस नंबर से डिवाइड कर रहा हूँ तो आई एम अज्यूमिंग कि x प्लस बी बाई टू इज नॉट जीरो, तब मेरा इसमें रिड्यूस हुआ, तो मुझे x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए के लिए देखना पड़ेगा, एंड आई एम सीइंग कि x इज इक्वल टू माइनस बी बाई टू ए पे ये चीज जीरो हो गई, तो ये इनइक्वालिटी तो ट्रू नहीं हुई, जीरो ग्रेटर देन जीरो। हैंस आंसर इज x ग्रेटर देन माइनस वन, मतलब माइनस वन से इन्फिनिटी माइनस कर्ली ब्रैकेट माइनस बी बाई टू ए, दिस इज माई फाइनल आंसर x ग्रेटर देन माइनस वन में से हमने क्या हटा दिया माइनस बी बाई टू ए। ठीक है ना, अगर माइनस बी बाई टू इन्हीं में से कोई नंबर आया तो ठीक है, ये कुछ नल हो जाएगा, अगर इसके बाहर आया तो हटा देंगे। क्लियर है, तो दिस इज माई फाइनल आंसर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं, इसको रब कर देता हूँ। तो थोड़ा सा क्वाड्रेटिक का पार्ट यूज हो गया इसमें, ठीक है ना, वैसे याद रखना क्वाड्रेटिक में अगर डी जीरो है तो जो क्वाड्रेटिक है कैन बी रिटर्न एज अ परफेक्ट स्क्वायर। चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं। देखो ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, ठीक क्वेश्चन है, मतलब क्या था हमारा, एफ एक्स इज इक्वल टू वन अपॉन फोर एक्स अंडर रूट ऑफ माइनस अंडर एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन। ठीक है, दिस इज अवर क्वेश्चन, अब सुनना क्या है। तो अगेन डिनोमिनेटर के अंदर है तो डिनोमिनेटर के अंदर एक तो जीरो नहीं होना चाहिए, प्लस रूट के अंदर दे रखा है तो शुड बी ग्रेटर देन जीरो। तो क्या लिखूंगा मैं अल्टीमेटली, फोर एक्स माइनस अंडर मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन, दिस शुड बी ग्रेटर देन जीरो। इक्वल टू भी नहीं लगाया बिकॉज ये फैक्टर डिनोमिनेटर में दिया है, तो इधर से मेरा क्या आया मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस सॉरी मॉड ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन शुड बी लेस देन फोर एक्स। अब सुनना, अब हम मॉडुलस इनइक्वालिटी को रिकॉल करते हैं। जब मान लो मेरा ऐसा दिया होता था मॉड ऑफ एफ एक्स इज लेस देन लेट्स से फाइव, तो हम इनको इसको दो में ब्रेक करते थे, क्या करते थे एफ एक्स, इसका मतलब क्या पहले रीड कर कैसे करेंगे, हमने क्या बोला कि जो एफ एक्स है उसका मैग्नीट्यूड फाइव से कम होना चाहिए, तो एफ एक्स क्या होना चाहिए माइनस फाइव और फाइव के बीच में होना चाहिए, माइनस फाइव से फाइव के बीच में अगर होगा तो उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा फाइव से कम होगा, हैंस क्या लिखते थे एफ एक्स शुड बी ग्रेटर देन माइनस फाइव एंड एट द सेम टाइम दैट इज इंटरसेक्शन एफ एक्स शुड बी ग्रेटर लेस देन फाइव, मतलब माइनस फाइव और फाइव के बीच में होना चाहिए। तो उसी प्रकार तुम इसको ब्रेक करो, मैं ब्रेक कर देता हूं, उसके बाद दो क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी बहुत आसान है और आंसर बता दूंगा, दैट यू हैव टू वेरीफाई ऑन योर ओन, नहीं आता है तो फिर मैं हुई बताने के लिए। तो मैंने क्या लिखा, इसको दो में ब्रेक करूंगा, एक तो एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन, तो मॉड ऑफ एफ एक्स लेस देन फाइव, तो क्या होना चाहिए ग्रेटर देन माइनस फाइव, तो ग्रेटर देन माइनस फोर एक्स इंटरसेक्शन विद, एक तो ये क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी हो गया, प्लस अब देखना इधर लिख रहा हूं मैं एक्स स्क्वायर माइनस टेन एक्स प्लस नाइन, दिस शुड बी ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 4x। क्लियर है, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उसका इंटरसेक्शन इज माय आंसर।
तो मैं आंसर लिख देता हूँ। आंसर है हमारा 7 - √40। देखना तुम्हारा आराम से आ जाएगा, सिंपल सी इनइक्वालिटी है क्वाड्रेटिक। इसमें बस यही पार्ट इंपॉर्टेंट था। वैसे इसको एक और तरीके से कर सकते हैं, चलो मैं एक और तरीका बताता हूँ। एक तो तुम इससे करना, ठीक है, और एक और तरीका क्या करो कि इसको पहले इसका रूट देख लो क्या है बेसिकली इस क्वाड्रेटिक का। देखना मेथड टू, इससे भी तुम लोग वेरीफाई करना। अब इसके ऑब्जर्वेशन से रूट पता चल रहा है 9 और 1 है, सम ऑफ रूट इज 10, प्रोडक्ट इज 9। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ मॉड ऑफ x - 1 × x - 9, मॉड इज लेस देन 4। अब हम केसेस बना लेते हैं, इसमें 3 केसेस बनेंगे, एक्चुअली 2 ही बनेंगे बट हम 3 की तरह ट्रीट करेंगे। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं क्या करूँगा, पहले मैंने इसका ये देखा मॉड के अंदर की क्वांटिटी, तो एक तो 1 है इसका रूट, एक 9 है। तो देखो मॉड के अंदर की क्वांटिटी के 2 साइन है, या तो पॉजिटिव हो सकता है नेगेटिव। तो मैं इसको 2 पार्ट, चलो 3 छोड़ो, तुम 2 केस बनाओ। क्या देखो, अब ये जो मॉड के अंदर क्वांटिटी लिखी है वो इस रीजन में पॉजिटिव होगी, इसमें नेगेटिव और इसमें पॉजिटिव। तो केस 1 क्या बनेगा मेरा, देखना केस 1 तुम लोगों को अगेन आई एम रिमाइंडिंग, ऐसे भी सॉल्व करके देखना, प्रैक्टिस हो जाएगी अच्छे से। मैं केस 1 बना रहा हूँ, एक तो x बिलोंग्स टू -∞ से 1 यूनियन 9 to ∞। ये केस 1 बनाया जब मॉडुलस के अंदर चीज जो लिखी पॉजिटिव है, इस पर्टिकुलर रेंज ऑफ x के अंदर जो मॉड के अंदर लिखा है पॉजिटिव है, तो मॉड को डायरेक्टली रिमूव कर दूंगा, फिर उसको सॉल्व करूंगा, फिर वो केस 1 का आंसर नहीं होगा, उसका इंटरसेक्शन केस 1 के डोमेन के साथ। सुनना क्या किया मैंने, मैं मेरा अल्टीमेटली मकसद क्या है कि मॉड हटाना है। मॉड कब हटा पाऊंगा मैं, मुझे पता हो कि मॉड के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है वो पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, तो उसी के आधार पे मैंने केसेस बना लिए कि एक्स अगर -∞ से 1 यूनियन 9 से ∞ लाई कर रहा है, तो मेरा जो मॉडलस मॉड है वो ऐसे हट जाएगा। क्यों? क्योंकि इस रीजन में ये चीज पॉजिटिव है। अब मैंने कहा ठीक है, हटा दिया, सिंपल क्वाड्रेटिक इनइक्वालिटी आ गई, वो उसको सॉल्व किया, कुछ आंसर आया। अगर अभी मैं उसको केस 1 का आंसर नहीं बोलूंगा, पहले मैं उसमें से वही एक्स लूंगा जो केस 1 का डोमेन है, तो जो केस 1 का आंसर आया, नॉट द फाइनल आंसर, उसका मैं केस 1 के डोमेन के साथ इंटरसेक्शन लूंगा, वो एक्स मेरा क्या होगा, केस 1 का फाइनल आंसर। सिमिलरली केस 2 मेरा होगा, केस 2 के अंदर मैं क्या लूंगा, केस 2 इज एक्स लेस देन 9 > 1, ठीक है। और इक्वालिटी तुम इधर भी ले लो चाहे उधर ले लो, कहीं भी एक जगह लगा दो इक्वालिटी, इधर भी ले सकते हो इधर भी ले सकते हो। तो लेट्स से मैंने इधर इंक्लूड कर लिया, मतलब 1 और 9 को एनालाइज कर लिया, इधर नहीं लिया। फिर अब इसके लिए क्या होगा, ये नेगेटिव साइन के साथ ओपन होगा, फिर अगेन क्वाड्रेटिक बनेगा, उस क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना, उसका इसके साथ इंटरसेक्शन केस 2 के डोमेन के साथ, फिर वो जो आंसर आएगा वो क्या होगा, केस 2 का फाइनल आंसर। फिर हमें फाइनल स्टेप क्या बोलेंगे, केस 1 एंड केस 2 का जो फाइनल आंसर आया था, उन दोनों का यूनियन इज माय आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। क्लियर है बच्चों? तो तुम्हें दोनों मेथड से कंप्लीट करके वेरीफाई करना है, और आंसर मैंने इसका बता दिया था तुम्हें, हाँ बता दिया था इसका आंसर, ठीक है। चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं जो डोमेन के, ठीक है ना, और डोमेन एक बार स्ट्रांग होगा तभी तुम्हारा रेंज अच्छा होगा, ये समझ लेना, क्योंकि रेंज इज अ स्टेप अहेड ऑफ डोमेन, थोड़ा सा मेहनत वाला काम है रेंज निकालना एज कंपेयर टू डोमेन। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, वो क्या था, fx = √(√cos x + cos x). देखना तो अगेन डिनोमिनेटर में रूट है, तो रूट के अंदर की क्वांटिटी क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0। 0 भी नहीं लेंगे बिकॉज ये फैक्टर डिनोमिनेटर में लिखा है, तो हमारे इसका डोमेन निकालना इज इक्विवेलेंट टू सॉल्व करना मॉड कॉस एक्स प्लस कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, ठीक है। अब अगेन जैसे कि मैंने इससे पहले बोला था, मॉड जब भी मॉड आता है तो मेरे को क्या है कि मेरे को मॉड रिमूव करना है, ये मेरे दिमाग में होना चाहिए। अब मॉड कैसे रिमूव करूं, तो उसके उसको रिमूव करने के लिए क्या चीज चाहिए हमें, कि मॉड के अंदर की जो क्वांटिटी है वो पॉजिटिव कब है नेगेटिव कब है, उसी के आधार पे हम लोग केसेस बनाते हैं। तो इधर मॉड के अंदर लिखा है कॉस एक्स, तो मैंने केस 1 क्या बनाया, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, और केस 2 क्या बना दूंगा, चलो ग्रेटर देन इक्वल टू ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, और कॉस एक्स लेस देन 0 कवर हो गए सारे, मतलब कॉस एक्स 0 या 0 से बड़ा होगा या फिर लेस देन 0 होगा, तो सारे एक्स के लिए एनालिसिस हो जाएगा। अब मैंने बोला जब कॉस एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, तब इस इनइक्वालिटी को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉस एक्स पॉजिटिव है, तो ये चीज हो जाएगी, मॉड ऐसे रिमूव हो जाएगा, तो ये कॉस एक्स और ये भी कॉस एक्स, तो 2 cos x > 0, तो फाइनली क्या बनेगा, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। तो इन दोनों का इंटरसेक्शन क्या होगा, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0। तो अभी तो मैंने cos x के टर्म्स में आंसर लिखा है, अब हम देखेंगे ग्राफिकली देख लेंगे cos x ग्रेटर देन 0 कब होता है, इट इज ये किसके इक्विवेलेंट हो गया, हमने इससे पहले वाले लेक्चर में लिया था सॉल्विंग इनइक्वालिटीज इन्वॉल्विंग पीरियोडिक फंक्शन,
तो मैं क्या लिखता हूँ, इसका एक पर्टिकुलर सॉल्यूशन लिख लेता हूँ, उसका 2n पाई ऐड कर दूंगा। तो मैंने देखा कि cos x जो है वो ऐसा चल रहा है, ठीक है, एंड सो ऑन। तो मैं इतने पार्ट के लिए लिख देता हूँ, दैट इज माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, दिस इज वन, या एक्चुअली मैंने यहां से यहां तक लिया, माइनस पाई से पाई, दिस इज वन कंप्लीट साइकिल। इस एक साइकिल के अंदर माइनस पाई से पाई जो मेरा फेवरेबल रीजन है, बिकॉज मुझे ग्रेटर देन जीरो चाहिए, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू, तो मेरा इसका पर्टिकुलर सॉल्यूशन क्या आ गया, माइनस पाई बाई टू से पाई बाई टू। बट दिस इज नॉट माई फाइनल आंसर, ये तो पर्टिकुलर हुआ, जनरल कैसे करूंगा, इसमें 2n पाई ऐड कर दूंगा, तो मेरा आ जाएगा 2n पाई माइनस पाई बाई टू यू कॉमा 2n पाई प्लस पाई बाई टू। दिस इज आंसर फॉर केस वन। अब केस टू पे आते हैं, केस टू मेरा क्या है, बहुत आसान है ये तो, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। cos x नेगेटिव है तो ये मॉड कैसे ओपन होगा, पता है नेगेटिव साइन, तो ये हो जाएगा माइनस cos x प्लस cos x लेस देन जीरो, तो ये कैंसिल हो गया, तो जीरो लेस देन जीरो, इससे तो आंसर क्या है, फाइव, कोई आंसर नहीं है। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, केस वन और केस टू का यूनियन, केस टू तो फाइव है, तो अल्टीमेटली आंसर क्या हुआ हमारा, ये हमारा फाइनल आंसर हो गया, 2n पाई माइनस पाई बाई टू ओपन से 2n पाई प्लस पाई बाई टू ओपन, याद रखना ओपन है, ठीक है ना। चलो अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, तुम लोग इसको कॉपी कर लो। अब हमारा, हाँ ये और एक इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन तुम्हारे शीट में भी दिया होगा, मैंने उस टाइम में बताया था जब तुम्हें ये होमवर्क दिया था, एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है, इसका आंसर है एक्स बिलोंग्स टू ऑल रियल नंबर, एक्स कुछ भी रखो, दिस इज ऑलवेज डिफाइंड। इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, थोड़ा सा हटके है, ठीक है। तो अगेन स्टार्ट करते हैं, रूट के अंदर दिया है, तो रूट के अंदर की जो क्वांटिटी होना चाहिए दैट शुड बी ग्रेटर देन 0, तो मैंने लिखा एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1 शुड बी ग्रेटर देन 0, जो एक्स इसको इस इनइक्वालिटी को सेटिस्फाई करेंगे वो हमारा डोमेन हो जाएगा। अब सुनना, अब इसके एनालिसिस के लिए क्या किया हमने, एक्स की कैटेगराइज किया, एक्स को मतलब ये बोल सकते हैं कि हम अलग अलग एक्स का एनालिसिस कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर रेंज ऑफ एक्स का। तो मैंने लिया पहले फॉर एक्स लेट्स से ग्रेटर देन 1, इक्वल टू भी ले सकते, चलो इक्वल टू 1 ले लिया, मैंने बोला x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 है, उसमें से देख लेता हूँ कौन सा x फेवर कर रहा है, ठीक है, देखना। अब देखो जब x ग्रेटर देन इक्वल टू 1 होता है, जब when when a quantity is greater than 1 उसका पावर बढ़ाएंगे तो नंबर बढ़ता है, जैसे मैंने लिखा a की पावर c और a की b की पावर c लिखा। अब अगर a बड़ा है, इफ a इज ग्रेटर देन 1, सॉरी इसको मैंने ऐसे नहीं लिखना, उल्टा लिख दिया मैंने, ये लिखना c की पावर a b की पावर a, मैंने लिखा इफ c इज ग्रेटर देन 1, एक मिनट, नहीं नहीं पावर, एक मिनट मैं ऐसे समझा रहा हूँ, वेट अ मिनट, चलो इसको डायरेक्टली देखो, सिंपल सी चीज़ है, कॉम्प्लिकेट नहीं करते। मैंने कहा कि अगर बेस वन से बड़ा है तो पावर ज़्यादा हो, उसकी एक्सपोनेंट अगर बड़ा होगा ना तो वो नंबर ओवरऑल बड़ा होगा, ऑफकोर्स, क्योंकि जितना। तो अब देखो ये दोनों मैंने नंबर्स क्लब किए, ये दोनों नंबर्स क्लब किए, तो यू कैन सी कि अगर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1 है तो 12 एक्स की पावर 12 ज़्यादा बड़ा होगा एक्स की पावर 9 से, तो ये नंबर, ये जो क्वांटिटी आएगी दिस इज पॉजिटिव, सिमिलरली दिस इज पॉजिटिव फॉर एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू 1, एंड ये तो अपने आप में 1 एक पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव ग्रेटर देन 0 होगा, हेंस ये पूरा का पूरा मेरा आंसर हो जाएगा, क्लियर है बच्चों। अब हम आते हैं फॉर एक्स लाइंग बिटवीन 1 से 0, अब क्या करें, देखो अगर आप बेस मेरा क्या है कि एक फ्रैक्शन है, अब सुनना, बेस अगर फ्रैक्शन होता है ना तो पावर कम होगी तो बड़ा होगा नंबर, जैसे मैंने लिखा हाफ की पावर 4 और लिखा हाफ की पावर 8, तो कौन बड़ा है, ये बड़ा है, ऑल द 4 इज छोटा 8 बड़ा है, बट बेस क्या है हमारा 1 से छोटा है ना, तो पावर छोटी होगी तो नंबर बड़ा होगा। अब क्या किया हमने, देखो ऊपर वाले को दोबारा लिख लेता हूँ, एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, अब सुनना, इसको भी कई तरीके से देख सकते हैं, चलो हम पीछे से क्लब करते हैं, मैंने बोला इन दोनों को देखो और इन दोनों को क्लब किया, तो देखो जब मैंने बोला कि x इज लेस देन 1, x इज सॉरी x इज लेस देन 1 0 1 के बीच में है, तो ये क्वांटिटी क्या आएगी, नाउ इट इज पॉजिटिव, 1 माइनस सम फ्रैक्शन इज पॉजिटिव। अच्छा अब ये वाली चीज यूज करेंगे, ये वाली चीज x बार 4 बड़ा होगी x बार 9,
ऑफकोर्स एक्स की पावर फोर, क्यों? क्योंकि बेस जो है वो फ्रैक्शन है, तो दिस इज ए पॉजिटिव, और ये तो इवन पावर है एक्स की पावर 12, ये तो पॉजिटिव रहेगा। तो पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव प्लस पॉजिटिव, इसका मतलब इसमें से हम कोई भी एक्स ले 0 से 1 के बीच में, ये चीज हमेशा ही पॉजिटिव होगी, हैंस ये भी हमारा डोमेन हो गया। क्लियर हो बच्चों? इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक है ना। अच्छा अब लास्ट हम क्या बोलते हैं, एक्स इज लेस देन 0। अब नेगेटिव के लिए, अब नेगेटिव एक्स और देख लेते हैं, नेगेटिव कौन से नेगेटिव एक्स इसको सेटिस्फाई करेंगे। अब सुनना, मैंने दोबारा इधर लिख लेता हूँ क्वेश्चन, एक्स की पावर 12 माइनस एक्स की पावर 9 प्लस एक्स की पावर 4 माइनस एक्स प्लस 1, ठीक है। अच्छा अब सुनो, जब मेरी पावर वन, जब नंबर नेगेटिव होता है, अगर मैंने उसके ऊपर ऑड पावर लिया तो नेगेटिव आ जाता है वो नंबर। तब खुद सोचना, जब मैं एक्स की वैल्यू नेगेटिव डालूंगा, ये तो पॉजिटिव है ही, जो पॉजिटिव इवन पावर वाले वो तो ऑलरेडी पॉजिटिव है, बट सिंस एक्स इज नेगेटिव, ये क्वांटिटी माइनस ऑफ एक्स की पावर 9 है, ये भी एक पॉजिटिव होगी, बिकॉज एक्स की पावर 9 क्या होगा, एक नेगेटिव नंबर, नेगेटिव इंटू नेगेटिव पॉजिटिव। सिमिलरली माइनस एक्स क्या होगा, दिस इज अगेन अ पॉजिटिव। तो ओवरऑल पॉजिटिव 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 पॉजिटिव, सारे पॉजिटिव है, तो सम क्या होगा, पॉजिटिव होगा। इसके अलावा हम एक्स नेगेटिव में से कोई भी एक्स नेगेटिव डालो, उसके लिए जो अंडर रूट के अंदर जो लिखा है वो हमेशा पॉजिटिव होगा। तो ओवरऑल इन तीनों से क्या मिला, दिस इज वन, दिस इज सेकंड एंड दिस इज थर्ड। लेस देन जीरो भी चलेगा, जीरो से वन तक भी चलेगा, वन से इन्फिनिटी तक भी चलेगा। तो ओवरऑल डोमेन क्या हो गया, आर, हम एक्स कुछ भी रखें, रूट के अंदर जो क्वांटिटी लिखा है दैट इज ऑलवेज पॉजिटिव। क्लियर है बच्चों? चलो अब हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये अच्छा क्वेश्चन है, इसको स्टार मार्क कर लेना, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हाँ अब जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बोला था वो भी मैंने तुम लोगों को स्ट्रेस दिया था, और ये बोला था कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसमें इंटरसेक्शन वगैरह लेते वक्त थोड़ा हमें कॉशियस रहना पड़ेगा। तो देख लेते हैं, प्लस अंडर रूट ऑफ 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6। चलो तो दो फंक्शन का एडिशन है, तो इसका डोमेन निकाल लेते हैं, इसका उनमें से कॉमन एक्स ले लेंगे, मतलब इंटरसेक्शन ले लेंगे। तो पहले इसका देख लेते हैं, ये आसान दिख रहा है, तो 7x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 6 शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। तो उधर से आया, माइनस से मल्टीप्लाई किया, तो एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6 शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 0। तो ऑब्जर्वेशन से पता चल रहा है रूट इज 1 एंड 6, तो 1 एंड 6 को मार्क किया 1 6, और इक्वालिटी है, इसका मतलब फील्ड सर्कल आएगा, ये मेरा हो गया इसका डोमेन, ठीक है। अच्छा और ये मेरा क्या है, ट्रिग्नोमेट्रिक है। अच्छा एक क्वेश्चन और मैंने लिया था कल की क्लास में, जब डोमेन पढ़ा रहा था उधर भी इस टाइप का कुछ था, एक ट्रिग्नोमेट्रिक था और एक एल्जेब्रिक था। तो मैंने क्या बोला था, सबसे पहले हम एल्जेब्रिक का डोमेन निकालेंगे, क्यों प्रेफर करेंगे, क्योंकि जो ट्रिग्नोमेट्रिक का डोमेन है ना वो तो इनफाइनाइट होता है, इनफाइनाइट सेट्स होते हैं, तो हम इसमें से वही एक्स ले लेंगे जो इसके साथ कॉमन आ रहा है, अल्टीमेटली तो हमें इंटरसेक्शन लेना है ना। क्लियर हुआ? तो इसलिए मैंने पहले ये डोमेन निकाला। अब हम इसको सॉल्व करते हैं, तो इधर से क्या आएगा, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन 0। ध्यान देखना, अब इसको भी करने के दो तरीके हैं, दो तीन तरीके हैं, तुम लोग, चलो मैं एक तरीका मैं करता हूँ, एक तरीका तुम लोगों को बोलता हूँ करने को। एक देखो मैंने क्या किया, सबसे जैसे एक जनरली बच्चों के दिमाग में क्या आएगा, रूट टू से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब इस पूरे को एक साइन के टर्म्स में लिखने की कोशिश करते हैं, या फिर कॉस। तो मैंने लेट से रूट टू से मल्टीप्लाई किया, रूट टू से डिवाइड किया, रूट टू इज अ पॉजिटिव नंबर, इनइक्वालिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तो रूट टू वो बाहर वाला को तो मैं जीरो के पास भेज दिया, ठीक है, इस रूट टू को तो जीरो के पास भेज दिया, इसको लिख दिया साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4। देखो क्लियर हुआ, दिस शुड बी ग्रेटर देन 0। क्लियर है बच्चों? अब सुनना ध्यान से, साइन ऑफ एक्स प्लस पाई बाय 4 ग्रेटर देन 0। अब मुझे को पता है कि जो साइन एक्स है, सुनना ध्यान से, जो साइन एक्स है वो ग्रेटर देन 0 कब होता है, अच्छा ग्रेटर देन इक्वल टू आएगा, बिकॉज रूट के अंदर न्यूमरेटर में ना। तो अब देखना मैं क्या बोल रहा हूँ, जब साइन एक्स का जो आर्ग्यूमेंट होता है ना, दिस आर्ग्यूमेंट, ये अगर 0 से पाई के बीच में लाई करता है तब मेरा साइन एक्स पॉजिटिव होता है, अगर 2 पाई से 3 पाई होता है तब भी मेरा पॉजिटिव होता है, सिमिलरली 4 पाई से 6 5 पाई होता है तब भी पॉजिटिव होता है। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, एक्स प्लस पाई बाय 4 इस दिस इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 कब आएगा, जब इसका आर्ग्यूमेंट लेस देन इक्वल टू पाई हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर और एक्स प्लस पाई बाय 4 लेस देन इक्वल टू 3 पाई हो, ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पाई हो, या फिर एंड सो ऑन चलता जाएगा, इधर आएगा फिर 4 पाई, इधर 5 पाई। अच्छा अभी मैं पूरा निकाल नहीं रहा हूँ, पहले हम उतना ही, क्योंकि मैं इसलिए पूरा नहीं निकाल रहा हूँ, ये तो इन्फाइनाइट सेट्स आएगा अगेन, जैसे कि मैंने बोला, अब मैं इसमें से उतना ही निकाल पाऊंगा जो उतना मुझे जरूरत है इस रीजन के अंदर जो आ रहा है। तो पहले इसको और लिख लिया, इसको मैं फर्दर कैसे लिख सकता हूँ, एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस पाई बाय 4, और ये हो जाएगा लेस देन इक्वल टू
पाई माइनस पाई बाय फोर, 3π/4। इधर से मेरा आया एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू 2π-π/4, 7π/4, और इधर से लेस देन इक्वल्स टू पाई, 3π × 4, 12π, 11π/4। अब देखना, अब इंपॉर्टेंट टास्क आएगा, अब जो मैं बोला था। अब हमें क्या है कि इनको इस रीजन में मार्क करना है, वो मेन टास्क है। अब कैसे करेंगे देखो, माइनस पाई बाई फोर तो वन के साइड आएगा, ये तो कोई भी बता सकता है माइनस पाई बाई फोर। अब 3π/4 क्या होगा, पाई इज 3 point something, तो 9/4 2 point something, तो यहां कहीं आएगा 3π/4। ये भी कोई बहुत बड़ी दिक्कत नहीं थी इसमें भी। अब सुनना, अब हम लोकेट करते इसको, 7π/4 कहाँ आएगा। तो उसके लिए क्या किया हमने, 7π/4 की अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी, 7/4 × π, पाई इज 22/7 अप्रोक्सीमेटली, ये गया 2 times, ये 11 times, तो 11/2 विच इज 5.5 something, तो 6 के पहले आएगा। दिस इज क्रिटिकल स्टेप, इस क्वेश्चन को मकसद कराने का मकसद यही था कि हम जल्दी जल्दी में 6 के राइट में नहीं लिखेंगे, तब इंटरसेक्शन लोगे गलत आ जाएगा। मैं क्या करूँगा, 7π/4 मेरा इधर आएगा, दिस इज इंपॉर्टेंट, और फिर यहां से लेके मेरा इधर तक हो जाएगा, दिस इज 11π/4। ऑफ कोर्स 11π/4 6 से बड़ा आएगा, पक्का, देख लेना। अब देखो, अब तुम्हें पता चल रहा है मैंने इसके बाद और करके क्यों नहीं लिया, बिकॉज वो इधर आएगा और उस लिखने का कोई सेंस ही नहीं बनता, क्योंकि अल्टीमेटली तो मुझे इसके साथ कॉमन वाला पार्ट लेना है, तो उधर का लिख के मुझे क्या फायदा है। इसी प्रकार मैंने इससे पहले वाला भी नहीं लिया, बिकॉज साइन एक्स तो पॉजिटिव इधर भी होता है, -2π से π, बट वो उससे क्या आएगा, वो एक्स नेगेटिव एक्स आएंगे, हमने वही चाहिए बस इसमें जो आ रहा है कॉमन, क्लियर हुआ। तो अब देखना इंटरसेक्शन में क्या लिख रहा हूं, इसको थोड़ा सा रब कर देता हूं मैं, देखना 1 से ये वाला पार्ट जो मैं शेड कर रहा हूं, ये पार्ट प्लस ये पार्ट इज माय आंसर। तो दिस इज 1 क्लोज से 3π/4 क्लोज यूनियन 7π/4 क्लोज से 6 क्लोज, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। चलो एक बार वेरीफाई कर लेते हैं, हमने आंसर निकाला करेक्ट है, 1 से 3π/4 यूनियन 7π/4 से 6, बिल्कुल करेक्ट, क्लियर है बच्चों। चलो अब जैसे कि मैंने तुम्हें बोला था, मैं एक और मेथड बताने वाला हूँ, तो हमारा अभी देखो इसके लिए तो सेम ही है, ये 1 से 6 आया, मैंने बोला इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के लिए, जैसे मैंने लिखा साइन एक्स प्लस कॉस एक्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0, इसको करने के लिए क्या किया, कॉस एक्स से डिवाइड कर दिया, और कॉस एक्स से जब मैं डिवाइड कर रहा हूं, तो आई हैव टू पुट कि कॉस एक्स 0 नहीं है, कॉस एक्स 0 कब होता है, ऑड मल्टीपल ऑफ 5/2 पे, तो आई एम डिवाइडिंग इट विद कॉस एक्स, सो दैट इट टेन एक्स बन जाए, तो इधर हो जाएगा 10x + 1 ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0। अब क्या करूं मैं, इसको सॉल्व करना है, या फिर इसको ऐसे बोल सकते थे, चलो एक काम करो, इसको ऐसे ही बोल सकते थे, हालांकि ये थोड़ा सा दिमाग लगेगा इसमें, इतना आसान नहीं होगा, क्यों बताता हूं। देखो ऐसे लिखो साइन एक्स ग्रेटर देन इक्वल्स टू माइनस कॉस एक्स, ठीक है। अब क्या करो, अब देखो इसमें गड़बड़ होने के चांसेस क्या है, जैसे कोई क्या करेगा, बहुत से बच्चे लोग इसको कॉस एक्स को इसके नीचे लेके आएंगे, बट डायरेक्टली हम कॉस एक्स को इसके नीचे लेके नहीं आ सकते। अगर देखो तुम लेके आए इसको इसके नीचे, तो क्या आएगा तुम्हारा, 10x > -1। अब ये इनइक्वालिटी करना बहुत सर आसान है, तो वो बोलेगा वो आंसर और ये आंसर मैच करेगा क्या, सॉरी मतलब जो भी इसका आंसर आया था, ये जो नहीं करेगा अभी, क्यों, तुमने गड़बड़ कहाँ की है, वीडियो पॉज करके सोचो पहले, मैं बता रहा हूं अब गड़बड़ क्या किया हमने इस वाले पर्टिकुलर में, एज ऑफ नाउ कॉस एक्स को डायरेक्टली इसके नीचे लेके आ गए, बट हमें थोड़ी पता है कि कॉस एक्स पॉजिटिव है नेगेटिव है, तो हमें इधर भी दो केसेस बनाने पड़ेंगे, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0, कॉस एक्स नेगेटिव। सुनना इससे भी करना तुम लोग, तुम्हारा टास्क है, रियली बहुत प्रैक्टिस होगा, ट्रस्ट मी मजा आएगा सॉल्व करने में। क्या बोला मैं, मेक टू केसेस, केस 1 कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 ग्रेटर देन इक्वल टू तो हो ही नहीं सकता ग्रेटर देन 0, और केस 2 इज कॉस एक्स लेस देन 0। फिर क्या करोगे, अब सुनना, कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 के लिए इसका डोमेन लिखोगे, कॉस एक्स 0 कब होता है, हमारा फर्स्ट और फोर्थ क्वाड्रेंट में, फिर अगर कॉस एक्स ग्रेटर देन 0 है तब मैं कॉस एक्स को इसके नीचे लेके आ सकता हूँ, साइन ऑफ इनइक्वालिटी विल रिमेन सेम, तो अल्टीमेटली ये बनेगा इसके लिए, तो इन दोनों का इंटरसेक्शन आएगा केस 1 का आंसर, क्योंकि ये तो मेरा केस 1 का डोमेन की तरह काम करेगा। सिमिलरली फॉर केस 2, दिस इज डोमेन ऑफ केस 2, अब क्या करूंगा मैं, इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा, क्योंकि कॉस एक्स नेगेटिव नंबर है, मैं कॉस एक्स को इसके नीचे लेके आऊंगा, इसका मतलब क्या किया बेसिकली, मैंने कॉस एक्स से डिवाइड किया, या फिर ऐसे बोल सकता हूं 1 by cos x से दोनों टाइम मल्टीप्लाई किया, और नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो इनइक्वालिटी ऑफ साइन चेंजेस, तो कॉस एक्स को इधर लेके आया तो क्या लिखूंगा मैं, 10x < -1, फिर इन दोनों का इंटरसेक्शन, और केस 1 केस 2 का यूनियन इज द फाइनल आंसर, नॉट फॉर द कंप्लीट क्वेश्चन, फॉर ओनली फॉर दिस पार्ट, दिस ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0,
फिर इसके साथ तो इंटरसेक्शन अभी भी लेना है, तो तुम्हारा टास्क है इसके बाद कंप्लीट करना, ठीक है ना। एक मेथड से मैंने कर दिया, दूसरे मेथड से योर टास्क इज टू कंप्लीट इट। चलो अब हम मूव करते हैं हमारे लास्ट होमवर्क क्वेश्चन की तरफ। तो उसको शुरू करने के पहले मैं इसको रब कर देता हूं, जिसने कॉपी नहीं किया वो इसको कॉपी कर लो। अच्छे अच्छे क्वेश्चन थे ये काफी, ठीक है। और कल से हम स्टार्ट करेंगे हमारा रेंज, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। तो लास्ट क्वेश्चन लिखते हैं, एफ एक्स इज इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स। अब सुनना, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, मेंस लेवल का ही है। तो स्टार्ट करते हैं, तो साइन एक्स का आर्ग्यूमेंट है। अच्छा उससे पहले एक चीज और इंपॉर्टेंट है, देखो कॉस एक्स कॉस इनवर्स एक्स का जो आर्ग्यूमेंट है वो क्या क्या होना चाहिए, वो क्या होता है इंटीजर्स, वो सॉरी माइनस वन टू वन होता है, बट इसमें ग्रेटेस्ट इंटीजर लिखा हुआ है, तो इसमें ये चीज जो है वो ग्रेटेस्ट इंटीजर है। तो ये ग्रेटेस्ट इंटीजर क्या क्या हो सकती है, देखना मैं क्या लिख रहा हूं, इट शुड बी माइनस वन, जीरो या प्लस वन। ये चीज मैं क्या लिख रहा हूं, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स या तो माइनस वन होगा या जीरो या वन होगा, बिकॉज कॉस इनवर्स एक्स का डोमेन तो माइनस वन से वन होता है, माइनस वन से वन के बीच में ये तीन ही इंटीजर्स आ रहे हैं। तो एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स ये होगा, ये होगा, ये होगा। अच्छा इन एक्स इन कॉस के आर्ग्यूमेंट की करस्पॉन्डिंग कॉस इनवर्स क्या होगा वो लिख लेते हैं। तो मैंने लिखा कॉस इनवर्स माइनस वन कितना होता है, कॉस इनवर्स माइनस वन इज पाई। तो उससे उसकी क्या करो, ग्राफ बना लो, नहीं तो ग्राफ यू विल सी इट इज समथिंग लाइक दिस। मैंने बोला था ग्राफ टेस्ट पे होना चाहिए, तो माइनस वन पे पाई होता है, जीरो पे पाई बाई टू और वन पे जीरो। तो कॉस इनवर्स माइनस वन जीरो पाई हो गया, कॉस इनवर्स जीरो कितना हो गया पाई बाई टू, और कॉस इनवर्स वन कितना होता है ये जीरो। अब सुनो ये ओवरऑल जो कॉस इनवर्स लिखा है दिस इज बेसिकली आर्ग्यूमेंट ऑफ साइन इनवर्स, तो उसका जो आर्ग्यूमेंट है वो तो माइनस वन से वन के बीच में होना चाहिए, तो क्या पाई हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या पाई बाई टू हो सकता है, नहीं हो सकता, जीरो हो सकता है, बिकॉज साइन इनवर्स का आर्ग्यूमेंट जीरो हो सकता है। तो इसका मतलब मुझे ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स जो है वो माइनस वन भी नहीं लेना है और जीरो भी नहीं लेना है। इसका मतलब मेरा ग्रेटेस्ट ऑफ इंटीजर ऑफ एक्स क्या होगा, वन, और ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वन है तो एक्स क्या होगा, बेसिकली मुझे आंसर देना होता है एक्स के टर्म्स में ना, एक्स की वैल्यूज होती है डोमेन। तो अगर ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ एक्स वन है तो एक्स क्या होगा, एक्स बिलोंग्स टू वन क्लोज से टू ओपन, इन सभी नंबर्स का ग्रेटेस्ट इंटीजर लेने पे वन आएगा मेरा। सो दिस इज माय फाइनल आंसर, ठीक है ना, समझ में आया। चलो तो फिर हमारा ये कंप्लीट होगा सारे क्वेश्चन, ठीक है, आई होप मजा आया होगा। और अगर अभी भी जो भी मैंने होमवर्क क्वेश्चन तुम्हें बोले मेथड टू से अल्टरनेट मेथड जो बोला उसको करना कंप्लीट, ठीक है ना, उसमें कोई लेतलाली नहीं करनी हमें, आज की आज कंप्लीट करना है। और अगर कोई दिक्कत आता है सेंड योर सॉल्यूशन, आई विल वेरीफाई इट, ठीक है। तो फिर हो गया काफी है, दैट्स इट फॉर टुडे। तो अब हम कल मिलेंगे नए लेक्चर के साथ और उसमें हम सीखेंगे रेंज। थैंक यू।